हे गाइस, मार्वल इसलिए फेमस हुआ था क्योंकि इसने कॉमिक बुक्स की स्टोरीज के एलिमेंट्स को ग्राउंडेड और इमोशनल एंगल से स्क्रीन पर दिखाया था, जो रियलिस्टिक लगता था और आप उससे कनेक्टेड फील करते थे। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम और गार्डियन ऑफ गैलेक्सी पार्ट 3 के अलावा फेज 5 की स्टोरीज में कुछ भी ग्राउंडेड फील नहीं होता। एनीवेज, मार्वल फैंस के लिए ये वीक काफी एक्साइटिंग रहा है। पहले तो लोकी के सीजन 2 का फाइनल एपिसोड रिलीज हुआ और उसके साथ ही एमसीयू की लेटेस्ट मूवी द मार्वल्स थिएटर में रिलीज हुई है। तो आज इन्हीं दोनों का रिव्यू करेंगे और इस वीडियो के थंबनेल का मीनिंग भी आपको दोनों के रिव्यू के एंड में मिल जाएगा। पहले बात करें लोकी की, तो जहां सीजन 1 खत्म होता है, सीजन 2 इमीडिएटली वहीं से स्टार्ट होता है, जहां अब बहुत सारी ब्रांच टाइमलाइंस जनरेट होनी शुरू हो चुकी है। अब टीवीए को भी डिसीजन लेना है कि ब्रांच टाइमलाइंस को खत्म करना है या नहीं। इतनी ज्यादा टाइमलाइंस की वजह से टीवीए का टेम्पोरल लूम ओवरलोड हो रहा है, और अगर वो खत्म हो गया तो टीवीए भी खत्म हो जाएगा। अब इन प्रॉब्लम्स को लोकी और उसके फ्रेंड्स कैसे सोल्व करते हैं, ये पूरी सीरीज का प्लॉट है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी दिखाई गई है, जैसे लोकी और मोबियस का ब्रोमांस, लोकी का टाइम स्लिपिंग, सभी कैरेक्टर्स की सेक्रेट टाइमलाइंस पर लाइफ, रेंसलेयर और मिस मिनट का पास्ट और कांग का वेरिएंट। सिर्फ 6 एपिसोड में इतना सब दिखाने के बाद भी सीरीज फास्ट फील नहीं होती, बल्कि सभी कैरेक्टर्स को पूरा टाइम दिया गया है, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स का मोटिव जानने का मौका मिलता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एपिसोड 5 और 6 तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जहां 5th एपिसोड आपको इमोशनल लेवल पर हिट करता है, वहीं 6th एपिसोड प्रूव है कि मार्वल का कंटेंट कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। पता नहीं जब मार्वल के पास ऐसी स्टोरी लिखने वाले राइटर्स हैं, फिर भी इसके फेज 5 की स्टोरीज इतनी वीक क्यों हैं? मुझे ये सीरीज मार्वल की अब तक की बेस्ट सीरीज लगी, जो ओवरऑल एमसीयू से कनेक्ट होते हुए भी अपनी एक अलग जगह बनाती है। इस सीरीज के लोकी को देखने के बाद लगता ही नहीं कि ये वही है जिसे हमने पहले एवेंजर मूवी में एज विलन देखा था। एमसीयू में ये किसी भी कैरेक्टर की विलन से हीरो बनने की बेस्ट जर्नी है, जहां अब लोकी सबको बचाने के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है। सीरीज के एंड में तो लोकी दिखा देता है कि कांग तो सिर्फ एक ह्यूमन है और लोकी एक गॉड। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी तो जरूर देखिए, और 6th एपिसोड देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इस वीडियो के थंबनेल में वेस्ट ऑफ टाइम क्यों रखा है। मेरी तरफ से इस सीरीज को मिलेंगे 5 में से 4.5 स्टार। वहीं अब बात करें 2019 में रिलीज हुई कैप्टन मार्वल की सीक्वल द मार्वल्स की, तो इस बार ये मूवी सिर्फ कैरल डैनवर्स के बारे में नहीं है, इसमें मोनिका रैम्बू और माला खान को भी ऐड किया गया है। इसके स्टोरी पर आए तो कैप्टन मार्वल के एंड में कैरल सुप्रीम इंटेलिजेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से क्री का होम प्लेनेट खत्म होने वाला है। वहां की हवा खराब हो चुकी है, पानी सूख चुका है और सनलाइट कम हो रही है। अब नई क्री जनरल दारबेन, जो रियल लाइफ में टॉम हिडलस्टन की वाइफ है, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में दिखाया अक्यूजर का हैमर और मिस मार्वल में दिखाया बैंगल यूज करके दूसरे प्लेनेट्स की हवा, पानी और सन को अपने प्लेनेट पर ट्रांसफर करना चाहती है, जिससे उसका प्लेनेट बच जाए। वहीं दूसरी तरफ एक स्पेस एनोमली को एनालाइज करते टाइम मोनिका, कैरल डैनवर और कमाला खान की पावर्स लिंक हो जाती है, जिससे वो जब भी अपनी पावर यूज करते हैं तो एक दूसरे से स्विच कर जाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए कैसे वो दारबेन को रोकते हैं, ये पूरी मूवी की स्टोरी है। मूवी सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट की है, इसलिए इसकी स्टोरी काफी फास्ट मूव करती है और आपको कैरेक्टर या सिचुएशन से रिलेट करने का मौका नहीं देती, इसलिए आप कभी भी इसमें इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन इसमें एक्शन सीन्स काफी देखने को मिल जाते हैं, पर स्टोरी को सिंपल रखने की वजह से मार्वल फैंस को इसे देखकर ज्यादा थ्योरीज बनाने का मौका नहीं मिलेगा। इस मूवी को फनी बनाने के लिए कुछ एलिमेंट्स भी डाले गए हैं जो कभी काम करते हैं और कभी नहीं, जैसे तीनों सुपर हीरोइंस का स्विच करना स्टार्टिंग में अच्छा लगता है लेकिन बाद में रिपीटेड लगने लगता है। इसके अलावा एक ऐसा प्लेनेट दिखाया जाता है जहां आप एक दूसरे से सिर्फ गाना गाकर बात कर सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा क्रिंज फील कराता है। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन है जिससे कुछ नए सुपर हीरोज को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। वैसे मूवी कैप्टन मार्वल का सीक्वल है, लेकिन इसमें कैरल डैनवर को ही साइडलाइन करके उनका स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर होते हुए भी उसकी पावर्स का लेवल कम कर दिया गया है। रियल में इस मूवी को कमाला खान का कैरेक्टर एंटरटेनिंग बनाता है, जिसे मिस मार्वल सीरीज की जगह इसी मूवी में सीधे इंट्रोड्यूस किया जा सकता था। ये मूवी बस एक वन टाइम वॉच मूवी है, अगर आप मार्वल के हार्डकोर फैन हो तो जरूर देखना, नहीं तो आप इसे अवॉइड करके अपना टाइम वेस्ट होने से बचा सकते हो। मेरी तरफ से मूवी को मिलेंगे 5 में से 2.5 स्टार। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।